हाल में संसद के सदन में बसपा सांसद दानिश अली और भाजपा के दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी में तीखी बहस देखने को मिली थी, जहां पर संसद सदन के पटल के सामने भाजपा सांसद ने दानिश अली के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस मामले में अब तक प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर फिर एक बार बसपा सांसद ने आवाज बुलंद करते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। बसपा सांसद दानिश अली ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने P20 बैठक में भारत को लोकतंत्र की जननी कहा, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद में लोकतंत्र की जननी को खुलेआम शर्मसार किया गया और प्रधानमंत्री ने गहरी चुप्पी साधे रखी। नस्लवादी और धार्मिक अपमान करने वाले सांसद को सजा की जगह इनाम से नवाजा गया। बता दें कि प्रधानमंत्री की चुप्पी पर दानिश अली इससे पहले 1 अक्टूबर को भी ट्वीट करके और PC के जरिए सवाल उठा चुके हैं। 1 अक्टूबर को ट्वीट करते हुए दानिश अली ने कहा था कि स्वच्छता अभियान बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी दिलों में भरी गंदगी को साफ करना। नरेंद्र मोदी जी, चुप्पी तोड़िए और सफाई की शुरुआत संसद में हुए गंदे आचरण पर कठोर कार्रवाई से लीजिए। गली और सड़कों की सफाई का क्या फायदा जब लोगों के दिल नफरत और गंदगी से लबालब भरे हों। बता दें कि भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों विषय पर लोकसभा में चर्चा के दौरान 21 सितंबर को बिधूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दानिश अली ने PM मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रमेश बिधूड़ी की तरफ से उनके खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जवाबदेही और उचित दंड सुनिश्चित किया जाए, ताकि आगे सदन में ऐसी घटनाएं ना हो। फिलहाल अब ये देखना होगा कि 21 सितंबर के बाद 3 हफ्ते बीत जाने पर भी रमेश बिधूड़ी पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।